मेरा नाम संतोष जोशी है, मैं इंटर कॉलेज विजयपुर कांडा बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ और मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने टीचर्स को इनोवेशन के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और इसी प्लेटफॉर्म के तहत मैं आज यहाँ पर हूँ। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से श्री अरविंदो सोसाइटी के इस इनोवेशन के बारे में पता चला और मेरा जो आइडिया है, मैं 20 बच्चों के साथ एक क्रिएटिव वर्कशॉप इंटरवल के दौरान करता हूँ जिसमें मैं बच्चों को म्यूजिक, थिएटर, आर्ट और अन्य फॉर्म के बारे में बताता हूँ और उन्हें सिखाता हूँ। इस क्रिएटिव वर्कशॉप का नाम मैंने पाठशाला रखा हुआ है, पाठशाला अ स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिविटी। और इस वर्कशॉप में बच्चे आते हैं इंटरेस्ट के साथ और उस पर काम करते हैं। लेकिन जब मैंने शुरुआत में ये वर्कशॉप शुरू की थी तो उसमें मुझे खूब सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे बच्चे शुरू में इंटरेस्ट कम लेते थे क्योंकि उन्हें खाना भी खाना होता था और इंटरवल के दौरान खेलना भी होता था। लेकिन बाद में बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हुआ उसमें और वो मेरे आने से पहले ही उस निश्चित जगह पर आकर बैठ जाते थे जहां पर वो वर्कशॉप होनी है और मेरे आने तक वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते थे। और इस एक्टिविटी को कराने से मुझे ये फायदा हुआ है कि एक तो बच्चे असेंबली के लिए और अन्य जो दिवस होते हैं हमारे विशेष, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या अन्य कोई दिवस, उस दिन के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और दूसरी चीज, दूसरे जो बच्चे हैं जो वर्कशॉप में नहीं है उनके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग आ रही है कि हम भी इन बच्चों की तरह कुछ सीखेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये वर्कशॉप बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो रही है पूरे विद्यालय के लिए और उन बच्चों के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरे लिए ये सुखद अनुभव है कि मैं जो मेरे अंदर जो भी चीजें हैं मैं उनको बाहर निकाल पा रहा हूँ और बच्चों के माध्यम से वो चीजें पूरे स्कूल को प्राप्त हो पा रही है। तो ये वर्कशॉप बहुत ज्यादा यूजफुल इस मायने में भी है कि ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना है और 0 इन्वेस्टमेंट पे हम ये वर्कशॉप कर सकते हैं। और मैं अंत में श्री अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनके माध्यम से मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और मैं इस मंच पर बोल पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।